हेलो एंड वेलकम दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पर। मैं हूं निदा और मैं आज आप सभी को बताने जा रही हूं प्रेगनेंसी के शुरुआती लक्षण, यानी कि आपको जो यूरिन है, आपके यूरिन से आप आसानी से पता लगा सकती हैं आप प्रेग्नेंट हैं या फिर नहीं हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए फ्रेंड्स, प्रेग्नेंट होना हर लेडी के लिए बहुत ज़्यादा खुशी की बात होती है। अगर आप कंसीव करना चाहती हैं, आपने कंसीव करने की प्लानिंग की है, तो आपको बेहद जल्दी जानने की इच्छा होती है कि आप प्रेग्नेंट हुई हैं या नहीं। तो सबसे पहले मैं आपको एक चीज़ बता दूं, आफ्टर इम्प्लांटेशन ही आपको पता चल पाता है आप प्रेग्नेंट हैं या फिर नहीं हैं। ऐसा कहीं नहीं है कि एक दिन में आपको पता चल जाएगा कि आप प्रेग्नेंट हैं या नहीं हैं। तो आपका, जैसे मैंने बताया है, आज मैं बताने जा रही हूँ यूरिन में 3 बदलाव ऐसे आते हैं जिससे आपको पता चल जाएगा कि आप प्रेग्नेंट हैं। देखिए, क्योंकि जैसे ही आप प्रेग्नेंट होती हैं, आपके अंदर कुछ हार्मोन्स बनते हैं, जैसे कि HCG, ह्यूमन कोरियोनिक गोनोडोट्रोपिन। एस्ट्रोजन का लेवल बढ़ जाता है, प्रोजेस्टेरोन का लेवल बढ़ जाता है, जिसकी वजह से आपके अंदर काफ़ी सारे चेंजेस आपको देखने के लिए मिलते हैं। तो जिसमें से आज हम बात करने वाले हैं यूरिन की, इनके पेशाब की। तो यूरिन में आपके क्या क्या चेंजेस आते हैं, देखिए, जैसे ही आपके अंदर एस्ट्रोजन का, प्रोजेस्टेरोन का लेवल बढ़ेगा, HCG का लेवल बढ़ेगा, तो आपका जो यूरिन का कलर है वो थोड़ा डार्क येलो हो जाता है। नॉर्मली येलो होता है, हल्का येलो होता है, लेकिन वो डार्क येलो हो जाता है जैसे ही आप प्रेग्नेंट होते हैं। सेकेंड, आपका यूरिन में थोड़े से बबल्स आपको दिखाई दे सकते हैं, तो झाग टाइप के हल्के से, तो ये प्रेगनेंसी का लक्षण है। इसके अलावा जैसे आप प्रेग्नेंट होती हैं, आपके अंदर जो हार्मोन्स की वजह से बदलाव आता है, यूरिन में हल्की सी स्मेल आपको फील हो सकती है, वो इन्हीं जो हार्मोन्स है ये बढ़ते हैं, तो यूरिन में आपको स्मेल फील होगी, तो आपको इससे पता लग जाएगा कि आप प्रेग्नेंट हैं या फिर नहीं हैं। तो ये 3 चीज़ें हैं। और इसके अलावा चौथी चीज़ है आपको फ्रीक्वेंटली यूरिनेशन, यानी कि आपको बार बार ऐसा लगेगा आपको पेशाब आ रहा है। फ्रीक्वेंटली यूरिनेशन इज़ द सिम्टम ऑफ प्रेगनेंसी। तो प्रेगनेंसी का सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट सिम्टम है फ्रीक्वेंटली यूरिनेशन। तो ये चीज़ें आपको आसानी से पता लग सकती हैं कि आप प्रेग्नेंट हैं या फिर नहीं हैं। इसके अलावा अगर आपको ये सारे सिम्टम्स फील हो रहे हैं और आपके पीरियड्स भी मिस हो गए हैं, तो पीरियड मिस हो गए, ये सारे सिम्टम्स फील हो रहे हैं, इसके साथ साथ ये आपके यूरिन में ये चेंजेस दिखाई देंगे, और यूरिन चेंजेस के साथ साथ आपको नोसिया फील हो रहा है, मॉर्निंग सिकनेस, मूड स्विंग्स, इसके अलावा आपके ब्रेस्ट में टेंडरनेस, आपको सर में थोड़ा सा दर्द रह रहा है, तो ये सारे सिम्टम्स दिखाई दे रहे हैं। इसके साथ साथ आपके पीरियड भी मिस हो गए हैं, तो आप प्रेग्नेंट हो चुकी हैं। अगर आपको ये सारे सिम्टम्स फील हो रहे हैं, तो आपको, अगर आपके, जैसे मान लीजिए पीरियड मिस हो गए हैं, ये सारे सिम्टम्स फील हो रहे हैं, तो आपको 5 दिन के बाद प्रेगनेंसी टेस्ट करना चाहिए। वो आप घर में कर सकती हैं, किट मार्केट में अवेलेबल होती हैं, किट से आप घर में मॉर्निंग यूरिन से ही टेस्ट करें, उससे आपको कन्फर्म हो जाएगा आप प्रेग्नेंट हैं या नहीं। अगर आपमें 2 पिंक लाइन दिखाई दे रही हैं तो आप प्रेग्नेंट हैं, 1 लाइन दिखाई दे रही है तो आप प्रेग्नेंट नहीं हैं, और 1 डार्क और 1 हल्की पिंक लाइन दिखाई दे रही है तो आप वीकली प्रेग्नेंट हैं, यानी कि वीकली पॉजिटिव, यानी कि आपके अंदर आप प्रेग्नेंट तो हैं लेकिन HCG का जो लेवल है वो बहुत कम है अभी। तो आपको दोबारा क्या करना है, 5-6 दिन के बाद दोबारा टेस्ट लगाना है, तो उसमें दोनों पिंक लाइनें डार्क आ जाएंगी। तो फ्रेंड्स, उम्मीद करती हूँ आप सभी को वीडियो समझ आई होगी और पसंद आ गई होगी। इसके अलावा आप कुछ भी पूछना चाहें, आप उसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकती हैं। थैंक यू सो मच।